सिंह कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय पनवाड़ी में मनाया गया शिक्षक दिवस। ज्ञान ही इंसान को जीने योग्य जीवन की दिशा में लाता है। जिस तरह से एक शिल्पकार पत्थर को तराशकर उसे मूर्ति का आकार देता है और कुम्हार कच्ची मिट्टी को तपाकर उसके विकारों को दूर करता है, ठीक उसी प्रकार एक शिक्षक भी छात्रों के अवगुणों को दूर कर काबिल बनाता है। शिक्षक ज्ञान का वह अविरल रहने वाला स्रोत बताया गया है जो लाखों छात्रों के भाग्य का निर्माण करता है। वह ज्ञान का एक ऐसा भंडार है जो दूसरों को बनाने में खुद को भी भुला देता है। कहा जाता है कि एक बच्चे को जन्म के बाद उसकी माँ पहली गुरु होती है जो अक्षरों का बोध कराती है, वहीं दूसरे स्थान पर शिक्षक होते हैं जो हमें काबिल बनाते हैं और सांसारिक बोध कराते हैं। जिंदगी के इम्तहान में शिक्षकों को सिखाए गए सबक हमें सफलता की बुलंदियों पर ले जाते हैं। प्राचीन काल से ही गुरुओं का हमारे जीवन में विशेष योगदान रहा। भारत में प्रतिभा शिक्षकों के सम्मान में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इस दिन शिक्षकों को समाज के विकास में उनके अनकहे योगदान के लिए सम्मानित किया जाता है। प्रतिवर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर शिक्षकों के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए भारत भर में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को ही मनाया जाता है। गुरु का हर किसी के जीवन में बहुत अच्छा महत्व होता है। समाज में भी उनका अपना एक विशिष्ट स्थान होता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षा में बहुत विश्वास रखते थे। वह एक महान दार्शनिक और शिक्षक थे। उन्हें अध्यापन से गहरा प्रेम था। एक आदर्श शिक्षक के सभी गुण उनमें विद्यमान थे। इसी दिन समस्त देश में भारत सरकार द्वारा श्रेष्ठ शिक्षकों को पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है। इस दिन स्कूलों में पढ़ाई बंद रहती है। स्कूलों में उत्सव व केक काटकर मनाया गया धन्यवाद और स्मरण की गतिविधियां होती हैं। बच्चे व शिक्षक दोनों ही सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। स्कूल कॉलेजों सहित अलग अलग संस्थाओं में शिक्षक दिवस पर विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। छात्र विभिन्न तरह से अपने गुरुओं का सम्मान करते हैं तो वहीं शिक्षक गुरु शिष्य परंपरा को कायम रखने का संकल्प लेते हैं। इस मौके पर सभी शिक्षक गुरु व शिष्य विद्यालय में उपस्थित रहे। रिपोर्टर ब्रजेंद्र कुमार गुप्ता, पनवाड़ी।